बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। जिले में यमुना और गंगा दोनों नदियां उफान पर हैं। हर तरफ इसकी वजह से तबाही का मंजर देखा जा सकता है वहां पर। आइए आपको सीधे कौशाम्बी ही लिए चलते हैं। कौशाम्बी में जल संघा, कुदरत का जल प्रहार, जिंदगियां हुई लाचार, जल प्रलय से मचा हाहाकार, बारिश और बाढ़ बनी आफत, जमींदोज हो रहे सैकड़ों मकान। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में यमुना के बड़े जलस्तर से तराई के गांवों में पानी घुसने लगा है, जिसके चलते ग्रामीणों को फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है। एकाएक बाढ़ आने से यमुना की तराई के लगभग आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण नाव के सहारे एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच रहे हैं। दिक्कत बहुत ज्यादा हो चुकी है, कागहत यहाँ के समझ लो जितने किसानी रहे सब लोग के आदमी के बूढ़ चुकी हैं। कागहत मिर्चा उर्चा सब बूढ़ गए, खेती सब बूढ़ चुकी हैं। कागहत अधिकारी एक जने आए रहे साहब, जो थोड़ा बहुत रहा है देख चीते के चले गए हैं। कि इसमें खाते बनाते रहे हैं, माल जाल रहते भाई हैं, बूढ़ा आ गई कोई दिक्कत, बहुत परेशानी है। इसमें खाने पीने की जगह नहीं है। पढ़ाई हाथ 8 दिन से बाढ़ रही है। कोई अधिकारी कोई आए मौके पे? अधिकारी आते हैं, देख देख चले जाते हैं। कोई सुविधा नहीं थी साहब। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीण अपनी गृहस्थी को बचाने में जुट गए हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की सुध लेने के लिए तहसीलदार के अलावा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में नाराजगी की झलक भी देखने को मिली है। वहाँ पर जो ड्यूटी लगाई गई थी कर्मियों की, वो लोग वहाँ पर मुस्तैद हैं। उसके साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की ड्यूटी है, वो लोगों के साथ वहाँ पर लगे हुए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भूसों की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि जो जानवर हैं वो लोग किसी तरह से परेशानी ना हो। और यदि आबादी क्षेत्र में पानी जाता है, वहाँ पर एक नज़दीक में जैन मंदिर है और जो स्कूल्स हैं वो हम लोगों ने स्थल चिन्हित कर रखे हैं, वहाँ पर लोगों को तत्काल शिफ्ट कराने की कार्रवाई भी कर दी जाएगी। लगातार हो रही बारिश गरीबों के लिए आफत बन गई है। गरीब के कच्चे मकान बारिश की सीलन में जमींदोज होने लगे हैं। वहीं घर में रखे गृहस्थी के सारे सामान नष्ट हो रहे हैं। लोग खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर हैं। कौशाम्बी से भारत समाचार के लिए मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। इधर मेरठ में